अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्मार्ट और ग्रूम बनना किसको नहीं पसंद, हर इंसान का दिल करता है कि सब उसे स्मार्ट और ग्रूम पर्सन कहें। तो ये आज का व्लॉग ना बिल्कुल आपके लिए, और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। आज का व्लॉग जो है ना वो आपके लिए बोनस व्लॉग होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ आज मैं आपको ये बताऊंगी कि स्मार्ट और ग्रूम पर्सन की हैबिट्स क्या होती हैं, इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं और कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आज के व्लॉग में आपको सब कुछ मिलने वाला है। अच्छा, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बहुत से गिले आए हैं और रिक्वेस्ट आई है कि आपका जो व्लॉग होता है वो वुमेन ओरिएंटेड होता है, तो कोशिश करें कि आप बाकी मसलों पर भी, बाकी बातों पर भी ना आप जिक्र कर सकें। आज के व्लॉग में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए मेरा व्लॉग हेल्पफुल हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अपने माइंड में एक ये बात पक्की बिठा लें कि आपने रातों रात ना स्मार्ट बन जाना है, ना ग्रूम बनना है, ना आपने प्रोडक्टिव बनना है, और ना ही आप रातों रात कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट भी करनी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा। सबसे पहले हम आते हैं हैबिट्स की तरफ, क्योंकि हमारी आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं जो कि हमने चेंज करनी है, तो हम इंसान बेहतर हो जाएंगे, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले स्मार्ट पर्सन के लिए जो हैबिट्स होती हैं बहुत ईजी हैं, मैं हमेशा अपने व्लॉग में कभी कभी जिक्र भी करती रहती हूँ, ऑन एंड ऑफ मैं बताती भी रहती हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन शायद हम लोग ना इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग इतना सर पे नहीं लेते। लेकिन अब आपने कोशिश करनी है कि आपने ये चीज़ें जो है ना अडॉप्ट भी करनी है और उनको हैबिट भी बनाना है। सबसे पहले स्मार्ट पर्सन के लिए जो हैबिट्स है ना वो मैं आपको बताऊंगी। आपने रीडिंग करनी है, मैं हमेशा कहती हूँ रीड वाइडली। वाइडली मीन्स के बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ बढ़ें। देखें, जब तक हम अपना नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जब तक हम एक ही, वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक बन के बैठे रहेंगे हम लोग और नई चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, नए आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। लाइक किसी को अगर ब्यूटिशियन का शौक है, अगर किसी को कपड़े सीने का शौक है, कपड़े बनाने का शौक है, जब तक वो उनसे रिलेटेड नॉलेज नहीं गेन करेंगे, नई चीज़ें नहीं अडॉप्ट करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे नहीं, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो रीडिंग आपके नॉलेज को बढ़ाती है, आपको स्मार्ट पर्सन बनाती है। इसके साथ साथ आपने ना प्रैक्टिस करनी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं, प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व किया करें, सॉल्यूशंस की तरफ जाया करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होता तो उसे लेट इट गो करें, आगे बढ़ जाएं। देखें ना, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती रहनी है, चाहे वो लोग क्रिएट करें, चाहे वो आपकी तरफ से क्रिएट की हुई हो, आपने प्रॉब्लम को छोड़ देना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही, ना कि आप उसी को लेकर रोते धोते रहें, अपना टाइम भी ज़ाया करें, अपनी एनर्जी भी ज़ाया करें, अपनी एफर्ट भी लगाएं, फ़ायदा कोई नहीं होना। और अगर आप चाहते हैं कि सोल्यूशन निकले, तो फिर अपने पार्टनर को उससे डिस्कस करें, अपना पार्टनर से बात करें, अपने हस्बैंड से बात करें। देखें, मैं फिर फीमेल पे आ गई हूँ, हस्बैंड से इसलिए बात करें या हस्बैंड वाइफ से बात करें। देखें, जब दो लोग बैठते हैं ना तो कोई ना कोई बात का सलूशन निकल आता है। हमेशा प्रॉब्लम का सलूशन निकालने वाले बने, तभी आप स्मार्ट पर्सन कहलाएंगे। इसके साथ साथ जिंदगी का गोल सेट करें, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें, अपनी टाइम को प्रायोरिटाइज करें। देखें, जब तक आप अपनी ज़िंदगी का गोल नहीं सेट करेंगे, उठे हैं खाए हैं सो लिया, उठे हैं खाए हैं सो लिया, ये तो कोई ज़िंदगी ना हुई। आपने जब तक एक गोल नहीं सेट करना, लाइक अब मेरे बच्चे हैं इस वक्त इस एज में हैं कि वो पढ़ रहे हैं, मुझे पता है मेरे बच्चों का वो टाइम पीरियड आ गया जब उनकी लाइफ सेट होनी है, एक तरफ उनका एक ट्रैक बनना है, मैं उन्हें ट्रैक की तरफ लेके जा रही हूँ। उसके साथ साथ आप देखते होंगे मैं यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें मैं ग्रो कर रही हूँ, और चाहे स्लोली ग्रेजुअली कर रही हूँ लेकिन डे बाई कर रही हूं। तो अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करें, आपने कुछ करते रहना है, आपने रुके नहीं रहना। रुका हुआ पानी हमेशा काई लग जाता है, रुके हुए पानी में से बू आ जाती है। चलते रहें, मूवमेंट करें, हरकत करें, हरकत मींस के आगे बढ़े, अपने गोल को सेट करें, उसको लेके आगे चले। इसके साथ साथ आपने इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं ना, तो सबसे बेसिक है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे कि आप पे कोई भी परेशानी आई, कोई भी दुख आया है, कोई तकलीफ आई है, या किसी ने आपको कोई बात सुना दी है, या कोई आपको तकलीफ देता है, तो रोने धोने नहीं बैठ जाना। इसका कोई ये सलूशन नहीं है कि आप रोए धोए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगले बंदे का तो टास्क पूरा हो गया ना, उसने तो आपको तकलीफ़ दे दी और आप रोने धोने बैठ गए, छोड़ दें उसे। उसको जब आप बिल्कुल फॉरगो कर देंगे, उसकी बात को कोई मायने नहीं देंगे, उसकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो वो खुद ब खुद ही ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखा ना, आप तो रोए नहीं, आप परेशान नहीं हुए, आपने तो इस चीज़ का बॉदर ही नहीं किया। तो एक बंदा बोल रहा है, एक बंदा बक बक कर रहा है, एक बंदा चिक चिक कर रहा है, उसको छोड़ दें,
आगे मूव ऑन करें। आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे गोल हैं, आपके बच्चे हैं, आपके घर है, आपका हस्बैंड है, आप सोशलाइज करते हैं, आप फ्रेंड्स हैं, तो छोड़ दें ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो आपको पीछे की तरफ खींचना है। क्यों खींचना है? ताकि आप भी उन्हीं की साइड पे हो जाएं, आप भी उन्हीं की तरह जो है ना नेगेटिव पर्सन हो जाएं। तो आपने सबसे पहले जो है ना अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है, ताकि आप स्ट्रांग हो जाएं, समझदार हो जाएं इमोशनली। इसके साथ साथ आपने न्यू स्किल्स को अडॉप्ट करना है। न्यू स्किल्स का मतलब है कि लाइक आप कोई काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि काम मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अगर मैं इसमें नई चीज़ें ऐड करूँ तो बेहतरी नहीं हो जाएगी? जब भी आप कोई काम करते हैं, जब तक आप उसमें नई चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, नई चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, लाइक आप मेरे थंबनेल्स देख लें, बहुत पुराने मेरे थंबनेल चेक करें, मेरे व्लॉग्स को चेक करें, आज के व्लॉग में उज़्मा के और कल के जो गुजर चुके हैं व्लॉग्स उनमें बहुत फ़र्क है। तो आपने न्यू स्किल्स ऐड करने हैं, नई टेक्निक्स ऐड करनी है, ताकि आप स्मार्ट पर्सन बन सकें। आपने सबसे पहले तो अपने लिए स्मार्ट बनना है ना, और इसके साथ साथ मीनिंगफुल जो कन्वर्सेशन है ना यार, उसमें जाया करें, फजूल की बातें छोड़ दें। कभी भी कोई बंदा फजूल बात कर रहा है ना, तो मैं तो कहती हूँ उसको टू द पॉइंट जवाब दे करना बस करें, बंद कर दें। क्योंकि देखें ना, एक बंदे ने मीनिंगलेस बातें करती रहने हैं, बेमानी बातें करते रहना है, उसकी बात का कोई मकसद नहीं है, हालांकि उसे पता है कि वो गलत है, हालांकि उसे पता है वो गंदा है, हालांकि उसे पता है वो चीप और घटिया है, लेकिन वो नहीं बाज आएगा। वो चाहेगा कि आप भी उसके लेवल पर आ जाओ, उसके साथ उसी तरह बात करो। तो ऐसे बंदे को लेट इट गो करें, छोड़ दें, मीनिंगफुल बात किया करें, जितनी बात ज़रूरी होती है उतनी बात किया करें। इसके अलावा अगर कोई बोलता रहता है तो उसे बोलने दें, बोल बोल के खुद ब खुद ही चुप कर जाएगा। आप देखें रास्ते में आप जाते हैं, आपको रास्ते में बहुत सारे कुत्ते भोंकते हुए नज़र आएंगे, आप उनको एक साइड पर करके आगे मूव ऑन कर जाते हैं ना कि आप कुत्तों के साथ भोंकना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि मीनिंगफुल बात किया करें, कन्वर्सेशन में वही पॉइंट डालें, वही बात करें जो कि ज़रूरी हो, गैर ज़रूरी बात नहीं करनी, तभी आप स्मार्ट पर्सन कहलाएंगे, समझदार बंदा कहलाएंगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं होता। अपडेटेड रहा करें, थोड़ा सा करंट इवेंट्स को देखा करें कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। लाइक हम कहीं बैठे हैं, कहीं सर्कल में बैठे हैं, फ्रेंड्स में बैठे हैं, बहन भाइयों में बैठे हैं, हस्बैंड के साथ बात कर रहे हो, हमारे पास कोई बात करने को मवाद हो, कोई टॉपिक हो, हमें पता ही ना हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस बैठे हैं जी इधर के रोने उधर के रोने, सास ने क्या कह दिया, जिठानी ने क्या कह दिया, देवरानी ने क्या कह दिया, इसके अलावा हमारे पास कोई प्रोडक्टिव बात ही ना हो। तो ये चीज़ें आपने छोड़ देनी है। अपडेटेड रहें, करंट इवेंट्स के बारे में बात करें, इसी से आप ज़्यादा स्मार्ट नज़र आएंगे। सबको होगा कि ये तो बंदा बहुत अपडेटेड रहता है, ये तो इसके पास तो नॉलेज है, इसके पास तो बहुत सारी बातें करने को हैं। इसके साथ साथ आपने अपना माइंड को रिलैक्स रखना है, प्रैक्टिस करनी है अपने माइंडफुलनेस की कि आप रिलैक्स रहें। नमाज इसका सबसे बेहतरीन हल है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आपने माइंड को पीस में लाना है ना, सुकून में लाना है, नमाज की तरफ रागिब हो जाए। अगर नहीं भी नमाज का टाइम है, कोई नफल पढ़ लें, नफल पढ़ने से भी आपको बहुत सुकून आएगा। इसके साथ साथ आपने क्रिटिसिज्म से सीखना है। मैं हमेशा कहती हूँ आपने ये, मैंने तो ये भी बताया हुआ है कि आपने क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे करना है, लेकिन पता क्या, देखें जब तक आप एक क्रिटिसिज्म से, तनकीद से, किसी की जो नेगेटिव बात से आप सीखते नहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अगर उसी तनकीद को, उसी क्रिटिसिज्म को लेके बैठे रहोगे ना, तो आप मूव ऑन ही नहीं कर सकोगे। आपने किसी के भी क्रिटिसिज्म से हमेशा सीखना है। इसके साथ साथ आप में बर्दाश्त भी होना बहुत ज़रूरी है। देखें बर्दाश्त टाइम के साथ आती है, हौसला टाइम के साथ आता है। आपने अपने अंदर इतनी आप पावर लेकर आनी है कि कोई कुछ भी कहता है ना तो आपको फ़र्क ना पड़े। हाँ, दुख ज़रूर होता है, इंसान है, हमारी नेचर में है, हमें दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल में भी बहुत अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। सब्र और बर्दाश्त करने वाला बने। अगर कोई आपको कोई बात कहता है ना, तो कोशिश करें कि उसको बड़ा ही पॉजिटिव सा जवाब दे दें, ताकि अगले तक मैसेज भी पहुँच जाए और आपकी बात जो है ना आप आगे की तरफ मूव ऑन कर लें और एक दिल का बोझ हल्का हो जाए। इसके साथ साथ अब जी आते हैं ग्रूमिंग हैबिट्स की तरफ। ग्रूमिंग हैबिट्स हर बंदे को बहुत पसंद होती हैं। मोस्टली मुझे पूछा जाता है कि ग्रूम कैसे करें, ग्रूमिंग हैबिट्स बताएं, तो मैं हमेशा बताती हूँ स्किन केयर जो है ना रूटीन अपना लें। स्किन केयर की रूटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपने सप्लीमेंट्स लें, इसके साथ अपनी डाइट अच्छी लें, हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरे रहा करें, नहाते धोते रहा करें। जो इंसान साफ़ सुथरा रहता है, हाइजीन का ख्याल रखता है, नेल्स ट्रिम रखता है, अपने हेयर्स का अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, ऑयलिंग करता है, ये वैसे कल के व्लॉग में मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि आप विंटर्स में अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपने अपनी फैशन सेंस को भी बेहतर करना है।
आप जो कपड़े पहनते हैं, आपको लगता है कि आप पे अच्छे लगते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतरी करें, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, कोशिश करें कि आप इतना अच्छा दिखें, इतना अच्छा नज़र आएं कि लोग आपकी तारीफ करने से रह ही ना सकें। मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्रांडेड कपड़ों की बात नहीं कर रही। अगर आपने हल्का फुल्का सूट भी पहना हुआ, कोई कुर्ता शलवार भी पहना हुआ है, चाहे वो 3000 का भी है, 2000 का भी, आपको कैरी करना आना चाहिए। आप में ये तरीका हो, ये सलीका हो कि आप अगर कोई कपड़ा पहने तो आप उसके साथ मैचिंग कैसे कर रहे हैं, उसको कैरी कैसे कर रहे हैं, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड कैसे शो कर रहे हैं। ग्रूम पर्सन वही होता है जो जिस उसने जो भी पहना हो, जिस भी वो गेटअप में हो, वो अच्छा लगे, ग्रूम्ड लगे। ये सेंस अब आपने अपने आप में डेवलप करनी है। इसके साथ साथ आपने अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। फिजिकल हेल्थ में नट्स लें, क्योंकि अब सर्दियां हैं, आप नट्स खाएं, सूप लें, ग्रीन टी लें, अपने सप्लीमेंट्स कभी स्किप ना कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज मीन कि आपका ऐसा हो कि सब आपके साथ बैठना चाहे, आपके फेस की लुक, ओवरऑल लुक ऐसी हो कि आपसे कोई बात शेयर करना चाहे, आपके साथ गपशप लगाना चाहे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। अट्रैक्टिव पर्सन पे भी इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर जल्दी व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में कशिश होनी चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए कि कोई भी आपके साथ बैठे तो आपके साथ बात करना चाहे, आपके साथ गपशप लगाना चाहे, आपके साथ कंपनी करना चाहे। ये पॉइंट बिल्कुल अब लेडीज़ के लिए है कि मेकअप टेक्निक्स को सीखें, बेसिक जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइक आपको लिपस्टिक अप्लाई करनी आनी चाहिए, ब्लश ऑन आना चाहिए, लाइनर लगाना आना चाहिए, छोटी छोटी मेकअप टेक्निक्स हैं ना जो बेसिक हैं, जो कि बेसिक डेली रूटीन में आप करते हैं, वो आपको आनी चाहिए ताकि आप अच्छा सा ना मेकअप कैरी कर सकें, कहीं बाहर जाएं तो लाइट सा मेकअप आपने कैरी किया हो। इसके साथ साथ आपने अपनी ओरल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपने दांत साफ रखें। अगर आपको लगता है कि टूथपेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता तो माउथ वॉश ले लें, ज़रूर लिया करें। और इसके अलावा एक आपको देसी टोटका बताती हूँ, इलायची मुँह में रख लिया करें, उससे बड़ी प्यारी स्मेल आती है, उससे होगा कि आपके माउथ ब्रीथिंग जो होगी ना वो बड़ी फ्रेशनेस फील होगी, आपको खुद बड़ा फ्रेश फील होगा, जो आपके साथ बैठेगा तो उसको तो फील होगा ही, आपको बहुत फ्रेश फील होगा। जैसा कि आप विंटर्स है, अपनी स्किन को ड्राइनेस से बचाएं, मॉइस्चराइज़र करें, अच्छी तरह से फेस वॉश करने के बाद रेगुलरली मॉइस्चराइज करें, वैसलीन का इस्तेमाल करें, और अच्छी सी नींद भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम हर बात को याद रखते हैं, नींद लेना अच्छी भूल जाते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। और अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, सूरह काफ़ की आयत नंबर 11 का विर्द कर लिया करें, बहुत बेहतरीन सी आपको नींद आ जाएगी। अपनी ज़िंदगी को कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको बोनस टिप्स देने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले तो जो प्लान बनाना उससे स्टिक रहना है, बाउंड्री सेट कर लेनी है, नो कहने की आदत बनाएं, अपनी सेल्फ केयर की आदत बनाएं, अपने गोल सेट करें, पॉजिटिव टॉक करें, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएं, कंफर्ट जोन से निकला करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करें, लोगों के साथ हेल्पफुल बिहेवियर रखें। इसके साथ साथ छोटी छोटी अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करते रहा करें। स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड डी क्लटर, अपनी ज़िंदगी से क्लटर चीज़ों को निकाल दें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने बच्चों पे फोकस करें, अपने घर पे फोकस करें, पॉजिटिव और फोकस लोगों के साथ रहा करें, ऐसे लोगों के साथ रहा करें जो सपोर्टिव भी हों और दूसरों की सक्सेस को भी सेलिब्रेट करने वाले बने। जब आप दूसरों की खुशियों में शामिल होंगे ना तो आप में पॉजिटिविटी खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, स्मार्ट और ग्रूम पर्सन बनना एक सफ़र है, और आपने ये सफ़र शुरू कैसे करना है, स्मॉल चेंजेस के साथ, और फिर उन हैबिट्स को आपने अपनी एक आदत बना लेना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।